व्यूज कमाना था, व्यूज आप लोग कमा लिए ना, रुपया कमाना था, रुपया आ गया। मालती चौहान को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आप लोग तो सिर्फ व्यूज कमाना चाहते थे। मालती चौहान युवराज विष्णुराज के नाम से उसका घर परिवार बर्बाद करके आप लोग व्यूज कमाना चाहते, पैसा कमाना चाहते थे। कहाँ गए आप सारे यूट्यूबर, कहाँ गए यूट्यूबर, मीडिया लोग? आप क्यों ना इंटरव्यू ले रहे हैं? मीडिया वाले तो सिर्फ मालती चौहान, विष्णु राज और गोरखपुरिया भौजी जो जो फेमस यूट्यूबर हैं, जो जिनका व्यूज जा रहा है उनके मुंह में माइक फूस रहे हैं। मुंह में कोई सामने से कोई मीडिया वालों का काम है कि इंसाफ दिलाने के लिए, और मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, थंबनेल उल्टा सीधा लगा सिर्फ व्यूज कमा रहे हैं। देखने वाले दर्शक हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं वो सिर्फ झूठ फूट का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? झूठ फूट का आप लोग वीडियो क्यों देखते हैं? आज दूसरे का परिवार उजड़ गया ना, सभी लोगों का देन है, सभी यूट्यूबर का देन है, जो जो वीडियो बनाए थे मालती चौहान के खिलाफ, मेरा भी गलती है। तो दोस्तों आप कोई नहीं आएगा इंसाफ दिलाने? मीडिया वालों का काम है, सभी यूट्यूबरों का काम है कि एक घर को एकजुट किया जाए, मगर क्या कर रहे हैं, व्यूज पाने के लिए सिर्फ मुंह में माइक उड़ दे रहे हैं। कहाँ है मीडिया वाले, मीडिया वाले का कार्ड उड़ कहाँ है? मालती चौहान के पिताजी को आप लोग क्यों नहीं इंसाफ दिला रहे? मालती चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ दो लोग तैनात थे, राधाराज और गोलू भैया। ये दो लोग हैं जो कि पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग बताइए और आप लोग कहाँ पर गए? और कोई भी नहीं साथ दे रहा है कि इंसाफ मिल जाए। सिर्फ जा रहे हो वीडियो बनाने के लिए युवराज बाबू 5 रुपए काफी खिलाकर? हाँ, अरे है दम तो अपने घर में बैठ के जैसे चिल्ला के उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हो, ऐसे बनाओ अब। नहीं तू ही नहीं, दिमाग हो गया एकदम खराब देखते देखते। इतने सारे यूट्यूबर है ना, अगर चाहते ना तो गुनहगार को सजा मिल गया होता, मगर क्या? कोई नहीं चाहा, सभी को व्यूज कमाना है भैया। हमारा व्यूज जाए तो हम क्यों जाए? दोस्तों आप लोग कैसे हैं, प्यार सा कमेंट करके जरूर दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग ऐसे लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा बड़ा वीडियो हो चाहे छोटा हो इससे हमसे मतलब नहीं है, मगर आप लोगों को देखना है। अब कहाँ गए हमारे यूट्यूबर, अब कहाँ गए भाईचारे यूट्यूबर, मालती चौहान को इंसाफ दिलाने वाले यूट्यूबर कहाँ गए? आप लोग बताइए, आप लोग तो जो झूठ बोल रहा है, जो चिल्ला रहा है, उसका आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, एकदम दिमाग अब हो गया हमारा खराब, एकदम खराब हो गया। कोई नहीं आएगा दोस्तों, पहले दो इंसान है सिर्फ, राधा राज गोलू भैया मालती चौहान को सपोर्ट कर रहे थे, मालती चौहान के पापा का सपोर्ट वही कर रहे हैं दोनों, और बाकी के लोग जो लोग जा रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, ये तो एकदम क्या उल्टा सीधा, हम बोलना नहीं चाहते हैं, बस हम यही चाहते हैं दोस्तों कि मालती चौहान के पापा के लिए जितने लोग खड़े थे आप लोग खड़ा हो जाइए, जाग जाइए। अगर एक लेडीज को आप लोगों को इंसाफ दिलाना है तो आप लोग जाग जाइए। आप लोग सोचिए हर लेडीज के साथ ऐसा होगा, कभी आपके घर में पड़ेगा ना जिस दिन, उस दिन समझ आ जाएगा, वीडियो लोग नहीं बनाएंगे। दोस्तों एक डेढ़ महीना हो गया मालती चौहान का मैटर जो चल रहा था, तब से मीडिया के लोग क्या कर रहे थे कि कभी मालती के पास जा रहे थे तो कभी विष्णु के पास जा रहे थे, कभी मालती के कभी विष्णु के, 15 दिन तक 15 दिन ये चला था कि कभी मालती चौहान के पास लोग भाग के जा रहे हैं, कभी विष्णु राज की, क्योंकि वो दोनों ट्रेंडिंग थे, उन लोगों का विवाद था, और उसी में जाके दो कली चढ़ा चढ़ा के आज उसका परिवार लोग बर्बाद कर दिए, लोग परिवार बर्बाद कर दिए उसका बेचारा का। अब क्या कर रहे हैं, अब तो विष्णु राज तो दिल में बेचारा, मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, बस बचा युवराज और मालती चौहान के पापा भाई बहन, बस वहीं पर जा रहे हैं। 5 रुपया चॉकलेट किया, अरे बाबू यही कर रहा है, बाबू वो कर रहा, बाबू करा। एक वीडियो हम देखे क्लिप में, जो कि वहाँ पर 2-3-4 लोग यूट्यूबर थे, 10-15 लोग थे, उस खटिए फरते बेचारा वो गिरा, इतना भयानक युवराज, बहुत तेज गुस्सा लग रहा था, जा रहे हो वीडियो बनाने के लिए खटिया पर से बच्चा गिर जा रहा है ऐसे ऐसे सामने सामने बैठे बैठे, अरे शर्म करो यार, डू मरो। तो दोस्तों अब आप लोग इंसाफ के लिए उठिए, आप लोग कहाँ पर हैं, इंसाफ मिलना चाहिए तो, नहीं तो बस हम यही कहेंगे कि मालती चौहान को आप लोग इंसाफ दिलाइए, वीडियो मत खेलिए, एक साथ हो जाइए दोस्तों, हम लोग खड़ा है इंसाफ दिलाने के लिए। अगर आप लोग बुलाएंगे जहाँ वहाँ हम लोग आएंगे इंसाफ दिलाने के लिए, हम लोग आएंगे तो आएंगे तो आएंगे, गारंटी के साथ, मगर कोई खड़ा नहीं हो रहा है यार, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कहाँ कैसे क्या होगा, बस दो ही लोग हैं, दो ही लोग व्यूज कमा रहे हैं, राधा राज गोलू और कोई नहीं, दो दो तीन तीन दिन नहीं बीतता, एक दिन नहीं बीतता, लोग जा रहे हैं जो काम है वो काम करते हैं। मालती चौहान को पापा को समझ नहीं, आप लोगों को पता है वो बेचारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमको पता है कि वो लोग वीडियो के चक्कर में नहीं खेलते हैं, और वो लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ऐसे 2-4, 10-20 लोग और खड़ा हो जाती तो शायद बहुत जल्दी साथ मिल जाता। अभी बर्थडे रहेगा, केक रहेगा, कटेगा तो अभी सभी लोग चले जाएंगे, ठीक है, अभी बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे तो सभी लोग लाखों लोग जाएंगे, मगर अब कहाँ डूब गए सब,
अब सब खत्म हो गए, कोई नहीं आ रहा है। मालती चौहान को फूकने के लिए बहुत सारे लोग गए थे वीडियो के चक्कर में, फूकने नहीं गए थे वो लोग, मजाक करने गए थे। किसी के हाथ में ऐसा नहीं था कि कैमरा नहीं था, सिर्फ 10 लोगों को हाथ में कैमरा नहीं होगा, फोन नहीं होगा, बाकी सब लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ वीडियो बना रहे थे और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग अब खड़ा होइए मालती चौहान के साथ दिलाइए। मुझे समझ नहीं आता है मीडिया वाले होते क्या हैं, मीडिया वाले सिर्फ दूसरे को गलत ठहरा के व्यूज कमाना चाहते हैं क्या? अरे यार मीडिया वालों, कुछ शर्म चाहिए आप लोगों को कि आप लोग इंसाफ दिलाइए। आप लोग मीडिया वाले जो होते हैं ना, जिस पे अड़ जाते हो काम कर कर मान, मगर हमारे यहाँ के सब मीडिया वाले पता नहीं क्या चाहते हैं। फेक है, फेक और कुछ भी नहीं। कभी गोरखपुर वाली भौजी के पास भाग रहे थे, कभी मालती चौहान के पास भाग रहे थे, कभी विष्णु राज के। अरे भाई कुछ करो यार, कुछ दिखाओ, एकदम हो गया दिमाग डिस्टर्ब हम लोगों का। तो दोस्तों हम अब ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, हम यही कहते हैं कि अगर आप लोग एकजुट होते हैं तो एकजुट हो जाइए ना, एक दूसरे संपर्क करिए। हम लोग को भी ऊपर अंगुली उठती है, लोग उठाते हैं, हमको कोई डर नहीं है। हमको जो उंगली उठाएगा उसको उंगलियां काट देंगे, चाहे जो भी रहेगा, हम किसी डरते नहीं है। हम लोग सिर्फ चुपचाप अपना काम करना चाहते हैं तो हम लोग उसी में खुश रहते हैं। मगर कुछ लोग सोचते हैं हम लोग डरते हैं, हमको डरने उड़ने का हम लोग हिम्मत नहीं रखते हैं। कोई किसी से डरता नहीं है, किसी का कोई खाता है क्या डरेगा। बस हमें चाहते हैं आप लोग एकजुट हो जाइए सारे औरतों और सारे भाइयों बहन जो लोग वीडियो बना रहे हैं, और इंसाफ दिलाइए मालती चौहान को, तो दिलाइए। आप लोग जब लड़ेंगे ना तब इंसाफ मिल सकता है, आप लोग नहीं लड़ेंगे तो नहीं मिल सकता। दोस्तों एकदम दिमाग पक गया है, दिमाग पक गया है, कोई खड़ा हो नहीं रहा है। बस मालती चौहान को इंसाफ दिलाना, मालती चौहान को इंसाफ दिलाना। युवराज का वीडियो जाइए दिखाइए, इंसाफ मिल जा रहा है। जाइए युवराज का वीडियो बना के दिखाइए, इंसाफ मिल जा रहा है। एक महीने बाद देखते हैं कौन जाता है, कोई पूछेगा नहीं। और इतने टाइम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जा रहे थे युवराज के पास और जा भी रहे हैं, एक महीने बाद देखेंगे कौन यूट्यूबर जा रहा है कौन नहीं जा रहा। एकदम दिमाग हो गया डिस्टर्ब। अरे भाई आप लोग उस बाप को देखिए जिनकी बेटी दुनिया में नहीं है, उस बच्चे को देखिए जिनकी माँ दुनिया में नहीं है। वीडियो मत देखिए, वीडियो मत देखिए, दिमाग हो गया खराब। आप लोग जा रहे हैं तो कुछ करके दिखाइए, उनको भी लगे कि हाँ ये लोग आ रहे हैं तो हमारे साथ खड़ा है। ये नहीं है बोलने से, वीडियो बोलने से हम आपके साथ खड़ा है, वीडियो बना ले उसके बाद निकल जाएं। यही लोग कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यार आप लोग यूट्यूब पे, यूट्यूब के नाम पे आप लोग कलंक हैं कि आप लोग यूट्यूबर हैं, हम सबको बोल रहे हैं यूट्यूबर के नाम पे आप लोग कलंक हैं। इसलिए है कि कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी किसी का सपोर्ट नहीं करता है, चाहे बड़ा यूट्यूबर चाहे छोटा यूट्यूबर, हमको ये लगता है। सब अपने अपने व्यूज कमाने के लिए चक्कर में रहते हैं। चलिए ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, बस हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप लोग मालती चौहान को इंसाफ दिलाइए यार, खड़ा हो जाइए, कुछ तो कीजिए आप लोग, कुछ कीजिए आप लोग कि उस बेचारी को इंसाफ मिले बस। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, चलिए दोस्तों देखते हैं कौन होता है कौन खड़ा नहीं। हमारा तो दिमाग एकदम हो गया खराब।